क्या आप बिग बैंग को मानते हैं? अगर आपको इस सिद्धांत पर कोई शक है तो आप बिल्कुल सही वीडियो को चुना है। वैज्ञानिकों ने एक नए सिद्धांत पर विचार करे हैं जिसके अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत किसी धमाके के साथ नहीं हुआ था। यह सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड कभी भी सिंगुलैरिटी नहीं थी और न ही अनंत रूप से छोटा और न ही अनंत रूप से घना था। वास्तव में यह भी हो सकता है कि इस ब्रह्मांड की कभी शुरुआत ही नहीं हो। इस नए सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र अनंत हो सकती है। इस नए सिद्धांत को डार्क मैटर को भी समझा जा सकता है। डार्क मैटर वही रहस्यमय अंतरिक्षीय पदार्थ है जिससे ब्रह्मांड के अधिकांश पदार्थ की उत्पत्ति हुई है। बिग बैंग के हिसाब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी। आज उपस्थित हर पदार्थ कभी अनंत रूप से घना और छोटा था। यह अत्यंत गर्म और छोटी बिंदु थी जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है और यही बिंदु फटी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। सिंगुलैरिटी की उत्पत्ति को आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से साबित किया जा सकता है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि वस्तु कैसे अंतरिक्ष समय को ढकती है। एक अन्य समीकरण जिसे राय चौधरी समीकरण कहा जाता है, यह अनुमान लगाता है कि किसी वस्तु का परिक्षेप पथ समय की ओर झुकेगी अथवा उससे दूर हटेगी। इन दोनों समीकरणों को यदि भूतकाल में जाते हुए गणना करें तो यह पता चलता है कि ब्रह्मांड का सारा पदार्थ कभी एक बिंदु पर ही था, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। आइंस्टाइन के समीकरण में भौतिक के नियम सिंगुलैरिटी पर जाने से पहले ही टूट जाता है, लेकिन भौतिक विज्ञानी इनके अनुसार अनुमानित गणना करते हैं। इस प्रकार से यदि हम कहें कि बिग बैंग एक सच है तो ऐसा कहना गलत भी हो सकता है। एक अन्य समस्या है कि भौतिक के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत क्वांटम मैकेनिक और जनरल रिलेटिविटी को आज तक एक दूसरे से साथ जोड़कर नहीं देखा जा सका है। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि छोटे छोटे परमाणुओं के कणों का बर्ताव मौलिक रूप से अनिश्चित है। अल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत इससे मेल नहीं खाता है। यह कहता है कि भविष्य को भूत की सहायता से पहले से ही जाना जा सकता है। इनमें से कोई भी सिद्धांत डार्क मैटर को स्पष्ट नहीं करता है। अदृश्य डार्क मैटर सभी वस्तुओं पर गुरुत्वीय खिंचाव डालता है किंतु इसे नहीं देखा जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक इनमें से कुछ समस्याओं को सुलझाने का एक रास्ता निकालना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के पुराने सिद्धांत वोहियन मैकेनिक पर विचार किया है जिसमें एक छिपा हुआ चेयर यानी कि वेरिएबल परमाणु के कणों के विचित्र व्यवहार को नियंत्रित करता है। क्वांटम सिद्धांत के पुराने रूप का प्रयोग करके शोधकर्ताओं ने एक छोटा रास्ता ढूंढा है जिसे आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में जोड़ा जा सकता है। इसके बाद उन्होंने डीप टाइम में क्या घटता है इसकी गणना की। परिणाम स्वरूप नए समीकरण ने बताया कि सिंगुलैरिटी जैसी कोई भी चीज नहीं है और यह ब्रह्मांड अनंत रूप से पुराना है, अर्थात यह सदा सदा से है। इस थ्योरी को जांचने के लिए यह देखना होगा कि ब्रह्मांड का डार्क मैटर किस प्रकार बिखरा या फैला है। हालांकि नया समीकरण क्वांटम मैकेनिक्स और सामान्य सापेक्षता को एकजुट करने के लिए एक रास्ता है। उदाहरण के लिए स्ट्रिंग थ्योरी के एक भाग जिसे स्ट्रिंग गैस कॉस्मोलॉजी कहते हैं, यह अनुमान लगाता है कि ब्रह्मांड का बहुत लंबा स्थिर काल था, जबकि अन्य थ्योरी अनुमान लगाती है कि कॉन्किस बाउंस हुआ था जिसमें ब्रह्मांड पहले से बहुत ही छोटे बिंदु के रूप में सिकुड़ा और फिर फैलना शुरू हुआ। दोनों थ्योरी में एक बात समान थी कि ब्रह्मांड कभी न कभी बहुत ही छोटा और अत्यंत गर्म था, अर्थात यह पक्का है कि शुरुआती समय में एक अत्यंत गर्म आग का गोला उपस्थित था। लेकिन अभी तक यह साबित पूरी तरह से नहीं हो पाया है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।